प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा षष्ठी के प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। बच्चों, पहले प्रश्न में जो दिए हुए हैं इन शब्दों का उच्चारण करना है। जैसे इसको बोलना क्या है, छात्र है, छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है, शुक है, मुष्क है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर एक में जो खे भाग दिया है उसमें भी ऐसा ही है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारणम कुरुत, चित्रों को देखकर भी पदों का उच्चारण करना है। जैसे कृषक है, वृषभ है, भल्लुक है, मंडुक है, कपोत है, पर्यंक है, दूर भाषे है, काक है, सोचिक है। दूसरा प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, इसमें कुछ वर्ण दिए हुए हैं उनको जोड़कर समुचित पद लिखना है। जिस प्रकार से इसने एक उदाहरण दिया च अ श अ क अ चष्क है, इसी प्रकार से हमें बनाने हैं स औ सौ च ई चि क अ क है, सौचिक है, सौचिक है, श उ शु न अ न क औ कौ शुनकहु, ध आ धा व अ व त अ धावत है। इसी प्रकार व री व्रि द ध आ वृद्धा, ग आ य अ न त ई गायन्ति ही गायन्ति। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में ख नंबर है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद करना है। जिस प्रकार से पहले क में हमने वर्ण विच्छेद का संयुक्त पद बनाकर लिखा, उसी प्रकार से संयुक्त पद बने हुए हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे दिया है सिव्यति, सिव्यति को तोड़ना है स ई व य अ त ई सिव्यति, वर्णा व अ र ण आ वर्णा, कुकुरौ क उ क क उ र औ कुकुरौ, मयूरा म अ य उ र आ मयूरा, बालक है ब आ ल अ क अ बालक है। तीसरा प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूर्यत, उदाहरण को देखकर रिक्तस्थानों की पूर्ति करें। उदाहरण कौन सा दिया हुआ है, यथा जैसे चषक है, चषकहु, चषकहा। अब इसमें कुछ शब्द रिक्त दिए हैं, कुछ लिखे हुए हैं, जहां पर रिक्त स्थान है वहां पे अपने को रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे बलिवर्दौ नाम दिया है तो इधर एकवचन में लिखना है बलिवर्द है, बहुवचन में बलिवर्दाहा। इसी प्रकार शुनक है शुनकहु शुनकहा, मृग है मृगहु मृगहा, सौचिक है सौचिकहु सौचिकहा, मयूर है मयूरहु मयूराहा। चौथा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत में पद लिखने हैं। जैसे हाथी का चित्र दिया है संस्कृत में, इसे कहा है गज है, काक है, चंद्र है, ताल है, भल्लुक है, मार्जार है। प्रश्न नंबर पांच चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखना है।
जैसा कि बालक किम करोति, उदाहरण दिए बालक क्या करता है। अब ये बालक क्या कर रहा है, बालक पठति, बालक पढ़ता है। इसी प्रकार से अपने को करने हैं अश्व, अश्व किम कुरुत, घोड़े, दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्व धावत, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। कुकुराहा किम कुर्वन्ति, ये कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुकुराहा होता है बहुवचन में आया है, तो ये सब कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं। कुकुराहा बुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। इसी प्रकार से छात्रौ किम कुरुत, ये दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ तिष्ठत, दोनों छात्र ठहरे हुए हैं, खड़े हैं। कृषक है किम करोति, किसान क्या करता है। कृषक क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोत रहा है। गजौ किम कुरुत, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलता है, दोनों हाथी चल रहे हैं। इसी प्रकार छठे प्रश्न को देखते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को मिलाकर वाक्य का निर्माण करना है। जैसे गजाह को देखते हैं, गजाह बहुवचन का पद है, बहुवचन में प्रथम पुरुष बहुवचन का पद है, तो धातु इसके आगे जो क्रिया लगेगी, धातु लगेगी, वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। तो गजा प्रथम पुरुष बहुवचन का है, इसके सामने है चलंती, प्रथम पुरुष बहुवचन की धातु है चलंती, गजाह चलंती। इसी प्रकार सिंह गर्जते है, गाय का एक वचन में है, तो गायती, गाय का गायती। बालकौ पठते है द्विवचन में, मयूराहा नृत्यंती। इस प्रकार से वचनों को पुरुष को साथ में मिलाकर जैसा करता वैसी क्रिया लगानी है। प्रश्न नंबर 7, मंजूषाते पदम चित्वा रिकस्थानानि पूर्यत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिकस्थानों की पूर्ति करनी है। मंजूषा कौन सी है, ये वाली मंजूषा है, इसके अंदर जो शब्द दिए हैं उनसे रिकस्थानों की पूर्ति करनी है। अब मयूरा दिया है, मयूरा बहुवचन में दिया है, प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो क्रिया कौन सी लगेगी, प्रथम पुरुष बहुवचन की। इसमें दिया है मयूरा नृत्यंती, गजौ चलता है, वृक्षः फलन्ति, सिंहौ गर्जता है, वानरे खादती, अश्वः धावति। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। स तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिकस्थानानि पूर्यत। स तौ ते, ये क्या है, सर्वनाम पद है, और यहाँ वाक्य में जो उचित सर्वनाम पद है उसको चुनकर रिकस्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे गजाः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं या हाथी चलते हैं, तो बहुवचन में पद दिया है, तो चलंती के साथ सर्वनाम पद इन तीनों में से कौन सा लगेगा, ते लगेगा, तो ते चलंती। इसी प्रकार से सभी करने हैं, छात्रौ पठते, तौ पठते, वानराः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति, गायकः गायति, स गायति, मयूरा नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूर्ण होने के बाद एक बिंदु दिया ध्यातव्य, ध्यान करने योग्य, तो ये कुछ बातें याद करनी होती है बच्चों को। संस्कृते त्रीणी लिंगानी भवंती, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, च पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी प्रकार से बताया कि संस्कृते त्रय पुरुषः भवंती, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, कौन कौन से, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुषश्च, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीसरी बात क्या बताइए, संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों बातें याद करने योग्य, ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार से हमने प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण किए।